हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट, वो है ब्रेड पकौड़ा। सुबह सुबह सुनील बोले कि आज कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा है, तो मैंने बोला चलो कुछ स्पेशल ही बनाते हैं। तो ब्रेड हम लाए ही थे, तो ब्रेड रखी थी मैंने, सोचा इसकी का फिर आज ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें सबको पसंद आती हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो मैंने वही सारी तैयारी कर ली। मैंने बेसन वगैरह घोल लिया, कढ़ाई में तेल डाल दिया है और ब्रेड को काट के उसके बीच में आलू वगैरह मैंने पहले से भर के रख लिए, क्योंकि फिर एक हाथ बेसन में हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है करने में। तो सारा आलू मैंने भर के रख रखी है और इसके बाद बस डिप कर करके ब्रेड डालना है बेसन में, और जो खाने में मतलब बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और इस सबको अच्छे लगते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना, ऑयली तो होती हैं बहुत, बट अच्छी लगती हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए, जिसको जिसको अच्छे लगते हैं ब्रेड पकौड़ा और चाय। और दोस्तों, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आ गए थे मार्केट में, क्योंकि हमें कुछ सामान लेना था। हमारे गद्दे बेकार हो गए थे तो गद्दा लेना था एक, तो वही देखने आए थे कि यहाँ पे मिल जाएगा घर के पास में जो मार्केट है। और हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि सिंगल सिंगल लें या पूरा जो एक 6x6 का आता है वो लें, तो वही देख रहे थे यहाँ पर। और चीज़ें तो बहुत थी काफ़ी, और सबसे अच्छी बात थी कि घर के पास है तो कोई कन्विंस चार्ज नहीं है, आपको मतलब आराम से भेज देंगे, आपको अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसका चार्ज अलग से देना पड़ता है। और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे बेड, डाइनिंग टेबल, सब कुछ लगा हुआ था, और फाइनली हमें जैसा गद्दा चाहिए था वैसा हमें मिल गया। जो चीज़ हमें चाहिए थी तो वो थी अंकल के पास, तो बोले कोई नहीं आपका हम 1-2 घंटे में भिजवा देंगे। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हमें जल्दी नहीं, क्योंकि हमें जाना था और भी आगे कहीं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं आगे जहाँ पे हमें जाना था, तो हम आ गए नर्सरी। तो नर्सरी से हमें कुछ प्लांट्स लेने थे, और बहुत दिन से सोच रहे थे कि लाएंगे लाएंगे, पर आलस हो जाता था। तो निकले थे तो था एक साथ सारे काम निपटा लेते हैं। तो ये जो नर्सरी है जिनकी, तो वो भी कानपुर के ही हैं, तो इस वजह से काफ़ी कंसेशन मिल जाता है हमें प्लांट्स में, गमलों में, सब चीज़ों में। तो हम लोग आ गए थे नर्सरी, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, मतलब हर तरह के पेड़, फ्लावर्स वाले, डेकोरेशन वाले, जो भी आपको चाहिए हो बहुत सारा। और ऐसी जगहों पे आ जाओ तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छा भी लग रहा था और हमें जो जो चाहिए था वो सारा मिल भी गया। और मन तो ऐसे कर रहा था ना कि ये भी प्लांट्स ले लो, वो भी ले लो, मतलब होता है ना कि कितने भी ले लो, बट रखने की जगह चाहिए, क्योंकि फ्लैट्स में तो आप जानते हो जगह होती नहीं है। छोटी सी बालकनी है, आगे पीछे आप नहीं रख सकते, क्योंकि पीछे मतलब जाल पड़ा हुआ है, दूसरा धूप नहीं आती, रोशनी नहीं आती है। और आगे है तो इतनी बड़ी बालकनी नहीं है कि बहुत सारे प्लांट्स रख सके, पर ये था कि कुछ जो ज़रूरी प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि तुलसी हो गई, करी पत्ता हो गया, एलोवेरा हो गया, ये सब प्लांट्स ऐसे होते हैं ना कि मतलब ज़रूरत पड़ती रहती है। और फिर हमें बेला दिख गया, मतलब मोगरा, तो वो उसकी भी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना कि पूछो मत। और रात रानी चाहिए थी तो वो अभी नहीं थी, बोले कोई नहीं आ जाएगा तो आप ले जाना, तो हमने बोला ठीक है। तो ये हम आ गए घर लेके, और ये हमारी तुलसी, तो गमले सहित लेके आए वहाँ से, गमले भी उन्होंने दिए। तो अब मैं इनको बालकनी पे सारे एडजस्ट कर दे रही हूँ, लगा दे रही हूँ, ताकि अच्छे हो जाएं सारे एक तरफ से। और इसके बाद बालकनी सजाने के बाद हमारा गद्दा भी आ गया था, और गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा थी, तो ये था थोड़े से ठंडाते हैं, और गद्दा आ गया था। तो फिर तासु तानी को तो पन्नी फाड़ने में मज़ा आ रहा था, बोले हम पन्नी फाड़ दें, ये था बोलो फाड़ दो, हटाना तो है ही है। और बच्चे वैसे भी काम करने में, इन सब कामों में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, और बच्चों के होने पर इन चीज़ों में आराम भी बहुत रहती है, कुछ बैठे बैठे बताते रहो ऐसा कर दो ये कर दो, तो करते रहते हैं। तो वही दोनों अपना लगे थे पूरा निकालने में।
और सबसे अच्छी बात थी जो कलर उन्होंने भेजा था वो हमें पसंद था, क्योंकि ऐसा कलर है ना कि जल्दी से गंदा, मतलब गंदा भी होगा तो समझ नहीं आएगा। और ये देखो दोनों मस्ती करने में लग गए। मस्ती और मस्ती के साथ साथ लड़ाई भी हो रही है, क्योंकि दोनों को ब्रेड पकौड़ा रखे थे जो बचे हुए, तो तासु खा लिए तो कह रहे तानी को मिले नहीं, तो उसी बात पे। और ये तासु अब हमको बता रहे हैं मम्मी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सारा कुछ हो गया, हम मार्केट हो आए, मार्केट से जो जो लाना था ले आए, जो सजाना था वो सजा दिए, गमले वगैरह बहुत दिन से लाने थे बट तो यही होता था अब लाएंगे तब लाएंगे अब लाएंगे तब लाएंगे, लेकिन आज फाइनली ले आए और बालकनी मैंने अपनी सजा दी है। और दोस्तों सुबह बनाए थे ब्रेड पकौड़ा तो इतने हैवी होते हैं ना कि सब ने खा लिए तो किसी ने खाना नहीं खाया आज, और इतना प्यास लग रही थी कि पानी पी पी के पेट भरा हुआ था। तो अब फिर दोपहर में मैंने बनाया आने के बाद कढ़ी चावल, तो कढ़ी चावल अब हम खाएंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो वो हमारा लंच और डिनर दोनों होगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं यहीं पे अपना आज का ब्लॉग बंद करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।